हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं नीरज। अभी की जो वीडियो है ये वर्ल्ड अफेयर्स यूट्यूब चैनल से है और इसका टाइटल है पाकिस्तान्स बिग स्टेप फॉर ट्रेड विद इंडिया, आर्टिकल 370 इशू फाइनली ओवर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है तो पहले वीडियो देखेंगे और साथ साथ अपने कमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो पूरी वीडियो हमारे साथ जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है इंडिया के साथ ट्रेड रिवाइव करने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान ने एक नया ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है टू रिस्टोर टाइज विद इंडिया, और इनका नाम है कमर कायरा। इससे पहले आप अगर देखो तो इमरान खान के टाइम में कोई भी ट्रेड मिनिस्टर इंडिया के साथ ट्रेड के लिए इमरान खान ने अपॉइंट नहीं किया था। इमरान खान की पॉलिटिक्स का मेन पिलर ये था कि इंडिया के साथ, यूएस के साथ हमेशा पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब रहें और इंडिया के साथ तो ऑल टुगेदर ट्रेड भी ना हो। बट इवन दो इमरान खान इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के अगेंस्ट थे, इमरान खान के जो एडवाइज़र थे ये बार बार ये बात बोलते थे ओपनली कि इंडिया के साथ ट्रेड पाकिस्तान को बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे वी शुड डू ट्रेड विद इंडिया, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ये ओपनली कहा था पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कॉमर्स एडवाइज़र ने। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमरान खान के एडवाइज़र ऐसा क्यों बोलेंगे जबकि इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड करते हैं तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टू पाकिस्तान, पाकिस्तान कम एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, तो इसमें पाकिस्तान को बेनिफिट क्या हुआ? तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। 2015 से आप अगर देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रफली 2.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता था। इसमें से मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट्स थे वो थे इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को अराउंड 2 बिलियन से लेकर 2.1 बिलियन के आसपास का सामान। पाकिस्तान हमको एक्सपोर्ट करता था रफली 400 से लेकर 500 मिलियन डॉलर का सामान। मगर पाकिस्तान जो चीज़ें इंडिया से परचेज करता था वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट प्राइस था ग्लोबल मार्केट में। अब फॉर एग्जांपल आज के समय आप अगर देखो तो पाकिस्तान में वीट की बहुत ज़रा शॉर्टेज है। जो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि मैं खुद कपड़े बेचकर, अपने कपड़े बेचकर जो गेहूं के प्राइसेस है ये कम कराऊंगा ताकि लोगों को रिलीफ मिल पाए। यहाँ पे कपड़े बेच के गेहूं यार ये सही आइडिया, कभी गधे बेचेंगे कभी कपड़े बेचेंगे पता नहीं क्या क्या बेचेंगे। This is very funny. चलिए आगे सुनते हैं। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये आप सुने। दूंगा आपको हर दुकान में, मैं आटा सस्ता दूंगा। जो कीमत पंजाब में होगी वही कीमत केपीके में होगी। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भैया दूंगा। कपड़े बेच के भाई 20 करोड़ लोगों को आटा देना है, क्योंकि एक आधे बंदे को नहीं देना। कपड़े बेच के कितने के पैसे यार ये बहुत फनी लोग है। लेट्स कंटिन्यू। कहिएगा सूरत हाल इतनी संगीन है कि शहबाज शरीफ साहब को कपड़े बेचने पड़ेंगे केपी के आटे के लिए। ये काफी एक अजीब सा ट्रेंड है पाकिस्तान में, मतलब अजीब सी स्टेटमेंट्स देना, घास खाऊंगा कपड़े बेच दूंगा। इससे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब लाने की जब बात आई थी तो भुट्टो ने कहा कि मैं घास खाऊंगा, अब ये कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं वीट के लिए। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि आप इससे शायद समझ पाएंगे कि पाकिस्तान में वीट की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है। जेन्युइनली यहाँ पे जो गरीब आदमी है, जो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास का आदमी है जिसके पास ज़रा इनकम है नहीं, वो स्ट्रगल कर रहा है। और पाकिस्तान के पीएम को ये बात पता है कि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम इनकी गवर्नमेंट कितनी चल जाएगी 6 महीने 7-8 महीने के आसपास, उसके बाद फिर से इलेक्शन फेस करने होंगे। तो अगर ये इलेक्शन टाइम से पहले पहले गेहूं के जो प्राइसेस है पाकिस्तान में जो आसमान छू रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे ना, तो इससे इनको काफ़ी बड़ा एक एज भी मिलेगा इमरान खान पर, और इमरान खान ये बात समझते हैं। तो इसलिए जैसे ही जो ये वीट की बात हुई थी, करंट पाकिस्तान के पीएम ने बोला कि मैं कपड़े बेचकर वीट खिलाऊंगा लोगों को, तो इमरान खान ने भी यहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस करप्शन कम करो। कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा शहबाज शरीफ, खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। ये बहुत फनी है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। मजा आ गया। सर एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और यार इनके पास माइक स्टैंड नहीं है क्या? वो माइक, दो माइक हाथ में पकड़ के बोल रहा है। अरे माइक स्टैंड लगा लो भाई। सरदार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। तो देखिए गंदम गेहूं की कीमतें नीचे करनी है इनको, और इसीलिए इनको याद आ रहा है अब इंडिया।
मैंने आपको वैसे पहले बताया था कि इवेंचुअली पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि कई जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आटा, उसके अलावा चीनी, फिर इवन मैं कहूँगा अच्छी क्वालिटी की कॉटन, घटिया क्वालिटी की नहीं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो आप यूज़ कर सकते हैं इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश ऑलरेडी यूज़ कर रहा है बहुत ही बड़े स्केल पर, ये सब अगर पाकिस्तान को चाहिए तो आज नहीं तो कल इनको इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करना होगा, चाहे उस ट्रेड में अपर हैंड इंडिया का हो। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन ऑफिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेड अलाउ कर देगी इंडिया के साथ, अभी तो ट्रेड जो मिनिस्टर है ये अपॉइंट करने की बात हुई है ना, ऑफिशियली कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेड स्टार्ट होने में कुछ समय लग जाए, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने हो सकता है कि लग सकते हैं, दैट माइट हैपन। जैसे ही ट्रेड ओपन होगा आप उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखना, रिकॉर्ड नंबर पे इंडियंस और पाकिस्तानी ट्रेड करेंगे, और पाकिस्तानी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया से 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर का सामान परचेज कर ले। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या इंडिया इतना वीट बेचने को तैयार भी है, तो हाँ देखिए इंडिया का टारगेट ये है कि 2022-23 के बीच में, इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम 10 मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट करेंगे वर्थ 4 बिलियन डॉलर्स। अगर डायरेक्टली ये वीट पाकिस्तान में जाता है हमको भी एडवांटेज मिलता है, ऐसे शिपमेंट्स थोड़ी बहुत कम होती है, आराम से ट्रेड हो जाता है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही लग रही है कि इंडिया का जो ट्रेड टारगेट है ये वीट का, ये अचीव करवाने में पाकिस्तान भी काफ़ी बड़ी हेल्प कर देगा। और वीट के अलावा देखिए मोस्ट प्रॉब्ली ये सब्जियाँ खरीदेंगे इंडिया रहे बहुत ही बड़े स्केल पर, और इस सब की वजह से कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर भी हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ये नया रिकॉर्ड बनाए। पिछले साल आप अगर देखो तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स 50 बिलियन डॉलर के ऊपर चले गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए ट्रेड बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए, बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि चाहे वो इंडिया से ज़रा परचेज कर रहे हैं, मगर जब ये लोग वीट खरीदने के लिए जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तब अगर ये परचेज करते हैं फ्रॉम US या फिर किसी और कंट्री से परचेज करते हैं, तो वहाँ पे शिपमेंट के पैसे भी देने पड़ेंगे इनको, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान। जबकि इंडिया का जो वीट इनको मिलेगा ये काफ़ी हद तक इजी होगा, शिपमेंट आराम से आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, और आप कह सकते हैं कि इंडिया का वीट इनको सूट भी करता है क्योंकि रीजन सेम है, क्लाइमेट सेम है, खेती बाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही होती है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि वीट की जो कमी है पाकिस्तान में ये तो पिछले 1.5 साल से चल रही है, तो इसी टाइम ये रिवाइव क्यों कर रहे हैं ट्रेड विद इंडिया, देखिए इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये ब्रॉडन होके अब बताया जा रहा है कि 13 बिलियन डॉलर के भी ऊपर जम कर चुका है, इनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को ये लोग कवर कर पाए, तो बिल्कुल इनको आज के समय बेस्ट डील चाहिए, कहीं भी कुछ मिलियन सेव हो रहे हैं ये पूरी कोशिश करेंगे सेव करने की, नहीं तो सरकार चलाने में इन द फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। मगर देखिए ट्रेड ऑल टुगेदर रिवाइव करना इतना आसान नहीं होगा, डेफिनेटली अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान ट्रेड रिवाइव करता है तो पाकिस्तान का जो आम नागरिक है, गरीब नागरिक है, उसको राहत मिलेगी, महंगाई से डेफिनेटली उसको रिस्पाइट मिलने वाली है। हो सकता है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है ये पाकिस्तान के अपकमिंग जो इलेक्शन है उसको भी डिसाइड कर दे। मगर इमरान खान का यहाँ पर मेन इशू रहेगा कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड रिवाइव कर दिया तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 भूल जाएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से क्या होने वाला है कि करंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेड रिवाइव कर देगी, मगर साथ में ये बोल देगी कि देखिए बैठ के बातचीत हम तभी करेंगे जब आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया कुछ बड़ा स्टेप लेगा। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, और साथ ही साथ जो इनके इन्फ्लेशन है ये भी कंट्रोल में आ जाएगी। इवेंचुअली देखिए उम्मीद यहाँ पर यही है कि आर्टिकल 370 का जो इशू है इसके बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान निकले और धीरे धीरे अपने रिलेशंस इंप्रूव करें, क्योंकि आने वाला समय वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग होगा। दोनों कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड करती हैं, जो चीज़ें हम एक दूसरे को सस्ता दे सकते हैं वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक MCQ पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 87.5% जंप किया है, आपको बताना है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट कितना पहुंच चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 150 बिलियन डॉलर, 192 बिलियन डॉलर, 99 बिलियन डॉलर या फिर 400 बिलियन डॉलर। मैंने जो रुपी डेप्रिसिएशन वाली वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना था। बहुत इजी यहाँ पे क्वेश्चन है, गूगल करोगे तब भी आंसर आराम से मिल जाएगा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना था। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो, जो लोग सही आंसर करेंगे मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। बाकी जो इस वीडियो की PDF है वहाँ पर भी आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आज आखिरी दिन है अन अकेडमी की UPSC सेल का, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पर, जो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहे हैं अपने UPSC कॉम्बो ऑफर में ये आज रात 12 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है पिक के प्लान पर
और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में आपको ये हेल्प करेगा कोर्स। तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। और आप अगर मान लो 24 महीने 36 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी 24 महीने के कोर्स में। सीधा 24 महीने का कोर्स आपका बन जाएगा 30 महीने का अगर आप कोर्स परचेज करते हैं आज रात 12 बजे से पहले। और जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वाह भाई वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो। सबसे फनी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने कपड़े बेच के वीट खरीदेंगे। ये मैंने पहली बार, मुझे लगता है बार्टर सिस्टम में भी ऐसा बार्टर नहीं होगा कि जिसमें लोगों के कपड़े बेच के वो सामान देते होंगे। ये बहुत ही फनी चीज़ है और नया आइडिया है, बिल्कुल नया। आप बिल्कुल इसको लाइटली मत लीजिए क्योंकि गधे बेच के देख लिया और बाकी सब चीज़ें बेच के देख ली, अब सामान पूरा नहीं हो रहा तो बंदा कपड़े तो बेचेगा ही। दिस इज़ अ फनी थिंग। लेकिन उससे कितनी वीट आ जाएगी ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि 20-22 करोड़ तो आबादी है पाकिस्तान की, और पूरी आबादी को खिलाने के लिए अगर वीट कपड़े बेच के आ जाती तो ये बहुत पहले कर लेते, ये इतनी देर बाद सॉल्यूशन क्यों निकाला ये मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज़ आप इसकी इकोनॉमिक्स अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं सीरियस वाली कि इंडिया को क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए। पाकिस्तान की तो ज़रूरत है कि वो ट्रेड ओपन करेंगे, ये इंडिया को सोचना है कि ये क्या उनकी मर्जी है कि जब दिल किया ट्रेड बंद कर दी, जब दिल किया ट्रेड जो है ओपन कर दी और फिर ब्लैकमेलिंग की कि आप 370 हटाओगे तभी हम ट्रेड ओपन करेंगे या ये वो। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। इंडिया शुड नॉट गिव दिस इजीली टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है और पाकिस्तान ने ही ट्रेड बंद की थी तो पाकिस्तान को इसका प्राइस पे करना चाहिए। इंडिया को इसकी प्रॉपर कॉस्ट जो है वो लेनी चाहिए इस स्टेप की पाकिस्तान से, क्योंकि और इंडिया क्या क्या कर सकता है। अगर इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की इतनी ही चिंता है तो इंडिया जो है अपनी वीट अफ्रीकन नेशंस को एक्सपोर्ट कर सकता है। श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हेल्प कर सकता है, और बहुत सी यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बैठी हुई है और चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया के लिए अगर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर भी काम करना है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, और मुझे नहीं लगता इंडिया को यहां पे एफर्ट दिखाना चाहिए। और क्योंकि इंडिया ने बहुत समय तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है वो पाकिस्तान को दे रखा था और वहां से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं थी, और अभी भी जो ट्रेड है वो इंडिया ने बंद नहीं किया था, पाकिस्तान ने बंद किया था एक इंडिया के इंटरनल इशू को लेवरेज बना के। तो अगर इंडिया अपना प्रॉपरली लेवरेज नहीं यूज करता यहां पे then I will be very disappointed with the current dispensation, क्योंकि इंडिया को अपना प्रॉपर जो है वो रखना चाहिए स्टैंस कि हम आपको ट्रेड तभी देंगे अगर आप हमारी ये कंडीशंस मानेंगे, तो देन ओनली इंडिया शुड गिव वट एवर प्रोडक्ट्स इंडिया वॉन्ट्स टू सेल टू पाकिस्तान। और इंडिया को जहाँ तक ज़रूरत है इम्पोर्ट्स की, मुझे ये पता है कि सीमेंट और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, सॉरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया को सीमेंट की ज़रूरत है, और इंडिया बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से इम्पोर्ट करता रहा। लेकिन इंडिया को मुझे लगता है कि इसको चेंज करने का टाइम है। आइदर इंडिजिनस सीमेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए या किसी और अल्टरनेटिव वे से इंपोर्ट किया जाए, और पाकिस्तान पे ये इसकी ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जानी चाहिए। और इस ट्रेड को तो मुझे नहीं लगता इतनी इजीली शुरू करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर फर्स्ट स्टेप लिया है तो इंडिया को भी ये पॉइंट्स तो कुछ रखने चाहिए कि भाई आप ये जो इंडिया के अगेंस्ट इतने इतने स्टेप्स आपने लिए हैं आप उनको अगर जैसे वो कहते हैं कि रिवर्स नहीं किए तो हम भी आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियरली जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और मुझे हंसी आ रही है कि जो लोग इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे कि 370 अगर वापस नहीं लगा तो हम इंडिया के साथ ट्रेड के बारे में बात भी नहीं करेंगे, वो अभी ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं। ये अजीब तरीके की सेल्फ रिस्पेक्ट है। और whatever be the situation, पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना है कि उनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए और उनकी गवर्नमेंट जो है वो कैसे फैसले करती है। अगर उन फैसलों से पाकिस्तानी जनता को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है तो सो बी इट,
और इसके लिए मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांग स्टैंस लेना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करना चाहिए। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में अगर किसी को ज़्यादा इच्छा हो रही है वर्ल्ड वाइड हेल्प करने की, तो वो मुझे लगता है कि और बहुत सी कंट्रीज़ हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास जहाँ पे ये मकसद जो है वो पूरा किया जा सकता है। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में कि इंडिया को अगर पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे कि ट्रेड रिज्यूम कर ली जाए, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को ट्रेड रिज्यूम कर लेनी चाहिए? आप अपने विचार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नॉन अब्यूजिव लैंग्वेज में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके विचार मेरे से डिफरेंट है तो इट्स फाइन, आप फिर भी अपने विचार जो है वो शेयर कर सकते हैं। वी ऑल आर हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स। तो मैंने अपना विचार आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी को भी कपड़े बेच के वीट खरीदने की ज़रूरत है, और ऐसी नौबत भगवान करे किसी को आए ना, और अपना इंडिया जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले, जो भी इंडिया में अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है और रुपये की डिवेल्यूएशन हुई है, तो इन सब चीज़ों को भी आई थिंक हम सब मिलकर ही सॉल्व करेंगे, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए, अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई वीडियो आप चाहते हैं कि हम देखें, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। आपकी कोई फीडबैक और भी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अपनी वीडियो रिक्वेस्ट जो है डाल सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।